पता नहीं कहां से ना, अभी मैंने बालकनी का दरवाजा खोला था, एक मक्खी घुस गई है यार। हाय हाय कांत, हाय बी से बनी, स्वीटी हाउ आर यू, आई होप यू मिस मी। मैं बता दूं, बी से बनी इज माय शो प्रोड्यूसर, तो उसको बड़ी याद आती है मेरी। हाय मिश्रा जी, हाय डस्की, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके कावस को ऑलरेडी पता है कि थोड़ी देर में हमारे साथ बानी जे होने वाली है। गाइज मैं चाहती थी कि हम सारे पहले एकदम इकट्ठे हो जाएं एंड देन उसके बाद बानी जे का हम वेलकम करते हैं। आई एम श्योर यू हैव सीन हर इन एमटीवी रोडीज, फोर मोर शॉट्स प्लीज का सीजन टू भी आने वाला है एंड देन शी वॉज इन कैसे हो, आई मिस यू माई गॉड पिंकी, ओहो सो मच ऑफ लव यार यहाँ पे आके। यस सो आई वाज सेइंग कि बिग बॉस सीजन 10 में शी वाज अ फर्स्ट रनर अप। थोड़ी देर में बानी जे मेरे साथ होने वाली है, आई एम वेटिंग फॉर अ रिक्वेस्ट। बानी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थोड़े आई लव यू हमें भी बोल दो, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके सो गाइज क्या हो रहा है, हाय रेनू, हाय सोनू, अल्हा हाय कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन लग रही हूँ। आज मैंने कॉलोनी में अभी माइक पे अनाउंसमेंट हुई तो मैं बाहर गई कि क्या हो गया भाई, मेरे लाइव जाना है, शोर नहीं आना चाहिए। तो कॉलोनी की सारी आंटी जो है वो माइक लेके आज मतलब अपनी अपनी बालकनी में बैठ के सब वो करेंगी, कीर्तन करेंगी। तो थोड़ी देर के बाद मैं कीर्तन ज्वाइन करूंगी, फिलहाल आप मेरा लाइव ज्वाइन करें। ऑलराइट आई एम वेटिंग फॉर बानी जे, लेट मी जस्ट सी कि क्या बानी की अभी तक रिक्वेस्ट आई है। बानी आर यू हियर? आई थिंक अभी बानी इज नॉट हियर। बानी यू हैव टू सेंड मी अ रिक्वेस्ट, देन आई विल जॉइन यू, देन यू कैन जॉइन मी। एंड हाय रुचिका, व्हाट्स अप गाइस, कैसे चल रहा है? अभी कुछ दिन और बाकी हैं। व्हाट्स ओके, आपका नाम क्या है? फिल्मी सिंह, माय नेम इज हिना, आई एम फ्रॉम दिल्ली। बानी, यस बानी इज हियर, आई सेंट यू द रिक्वेस्ट। ओके सॉरी यार, थोड़ा मिस हो जाता है ना। गो लाइव विद बानी जे। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। हाय हाउ आर यू? व्हाट्स अप? बहुत सही, आई एम इन लव विद योर हेयर कलर यार, पहले भी अब भी। थैंक यू। क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? It's quarantine, so it's the same pretty much. Everybody is quarantine, yeah. Everyone is quarantine, which is great that we're all exactly sitting at home doing absolutely nothing, but still trying to be very productive. I think it's great. It's a good challenge for every day. But the only question we asked aajkal is ki ghar pe ho? और घर पे ऐसा क्या कर रहे हो जो हम भी कर सकते हैं, प्लीज आइडिया दो, बिकॉज जो शुरुआत में कर सकते थे वो सब कर चुके हैं। I know everyone keeps asking me. I mean, the main thing that I always love to do is I love to cook. So I'm cooking all day long. I'm cleaning all day long, which is not my favorite thing to do. But now I'm starting to enjoy it again. And of course, training and reading. I read a lot and I meditate a lot. That's what I do all day, pretty much. And what about that body, Bani? Wo itna training na pura din. Not pura din, but like at least 2 hours go and just 3 hours actually in setting up everything, moving the furniture, and then. It takes a lot of time, yeah. But good fun. Good fun. बहुत सारे हाथ आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे। Okay. What about the tattoos also, yeah, Bani? मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत guts चाहिए होते हैं to get those tattoos on your body. I think ये तो ऐसी चीज़ है जो बहुत ही personal preference पे ली जाती है. So in terms of you're either the kind of person who's going to get a tattoo or you're not the kind of person who's going to get a tattoo, basically. Because इतने सारे लोग आकर मुझे बोलते हैं, यार मैंने ना पता है बहुत सोचा टैटू के बारे में और एक डिजाइन भी चुना हुआ था, पर यार अभी तक मैंने कराया नहीं। I know. So many people like this, and they're like, I want to get one just here, and I'm like, great. And then I know that these are the kind of people who will never get a tattoo. And then the other kind of people are जो actually वो एक टैटू करा देते हैं. And it's such a bad tattoo कि वो कभी एक दूसरा tattoo कराना ही नहीं चाहते। So these are the kind. Yeah, I think इसके लिए आपको you have to put in a lot of hard work before getting any tattoo on your body.
Yeah, you have to do a lot of research for sure. You have to find a good tattoo artist, and you have to make sure that if they're very good, then their dates are normally very booked up. और फिर आपको वेट करना पड़ता है कि जब वो अपॉइंटमेंट के लिए खोलेंगे अपनी किताबें फिर से, देन यू हैव टू प्रे दैट दे विल सी योर ईमेल एंड गिव यू एन अपॉइंटमेंट आल्सो, एंड देन यू हैव टू ट्रैवल टू देम बिकॉज़ यूजुअली वो बहुत दूर रहते हैं, बट इन द एंड देन आई थिंक इट्स वर्थ इट. पर हर बार ये मेरे साथ होता है कि थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर मैं सोचती हूं यार अभी थोड़ी सी जगह है, यहां मैं एक छोटा सा टैटू करा देती हूं या समथिंग लाइक दैट, एंड देन आई फाइंड अ टैटू आर्टिस्ट, फिर वो बोल भी देता है हां ठीक है आ जाओ, अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, फिर मैं उधर पहुंच भी जाती हूं, एंड देन राइट बिफोर द टैटू और फिर राइट बिफोर द टैटू स्टार्ट्स वो मशीन की आवाज जब ऑन होती है ना, एंड आई एम लाइक ओ गॉड मैं तो भूल गई कि ये दुखता भी है, हाउ कुड आई फॉरगेट, एंड आई हैव टू सिट देयर फॉर लाइक 4 hours एंड यू नो बेयर दिस पेन, एंड आई एम लाइक व्हाट वाज आई थिंकिंग. आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर लाइक इन माय 20s गेटिंग टैटूड इट यूज्ड टू हर्ट अ लॉट लेस, एंड नाउ इट हर्ट्स अ लॉट मोर, आई डोंट नो व्हाई. बट टोटल कितने टैटूज हैं कभी गिने हैं आपने? I think मैंने 18 तक गिना कि I have like up to 18 tattoos and then I stopped क्योंकि उसके बाद goal ही change हो गया ना मेरा कि I was like मेरे को मेरा एक half sleeve हो गया है, अब मेरा एक full sleeve हो गया है, I have half a leg done, now I'll get a full leg done. So it's wow, like, this is so inspiring. It's like, is it? It is. For a person like me, it is. क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ कि बातें बहुत कर लूंगी, बट उसके बाद वही ना ढूंढना एंड ऑल दैट हार्ड वर्क वो अभी तक किया नहीं है. आई हैव ओनली वन टैटू, बट या वो वही वाली कैटेगरी बिल्कुल जो आपने बताई है, एक ही कहाँ है और है क्या? Is it a flower or a butterfly? Or like... It is not a butterfly, it is not a flower, it is something very psychedelic. ऐसे ही बोलती हूँ मैं सबको. I'll send you a picture in person. No, now you have to show it to us. Don't do this. But it's pretty ajeeb si jagah pe hai. It is. How should I do this? Ankle, you can move the phone. It might be easier. मुझे भागना चाहिए था ना, रुको. This second thing, that I want to see. Okay. See. You guys, Neeta is showing us a psychedelic tattoo. Oh, what is that? Very bold lines. Hey, kya hai? Is it a phoenix? Is it fire? Oh, no. I don't know. Some fire in me. It is fire, na? Yeah. Four more shots, please. First season, मैंने ऐसे दिल से देखा था ना. और क्या होता है कि जब ये अगला सीजन आने वाला होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो फर्स्ट सीजन होता है ना उसको रिवाइंड करती हूँ, तो बेसिकली अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश करने के लिए कि क्या क्या हुआ था एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन. तो मेरे को बताओ कि फर्स्ट सीजन में ऐसा क्या था और सेकंड सीजन में क्या डिफरेंट होने वाला है. फर्स्ट सीजन तो मालूम है वो क्या था, बस सेकंड में इस बार क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है, हम वी डेफिनेटली हैव सम न्यू कास्ट मेंबर्स जिन्होंने हमें जॉइन किया है इस सेकंड सीजन में, एंड न्यू लोकेशन, वेरी अमेजिंग लोकेशन जहाँ हम लोगों ने शूट करा था. वी लीव मुंबई एंड वी गो समवेयर फॉर सम वेरी इम्पैक्टफुल इवेंट्स जो होते हैं किसी कैरेक्टर की जिंदगी में, जो बिल्कुल बदल देते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है उसके बाद. एंड इट्स क्वाइट मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, थोड़ा स्कैरी भी है पर मजेदार. Yeah. Scary is one. It's scary, but it's also very. It's also fun to watch it for sure. Like yeah, absolutely. Like, जैसे कि you know, shooting करते वक्त, because I'm shooting it, like actually I'm one of the characters, so मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये season, बहुत ही मुश्किल था for me. Was very very emotionally very exhausting, but I think viewers के लिए उनको बहुत मजा आएगा देखते वक्त, पर मुझे तो मेरी तो band बज गई थी यार shooting it for sure. ऐसा क्यों? अभी देखना पड़ेगा ना. तो सब बताओगी नहीं? That's actually why I cut my hair. After that season मैंने अपने बाल काट दिए क्योंकि मेरी तो I was like उसका जो weight था ना of the season, I felt like it was in my hair and I was like I need to cut my hair. That's why I cut my hair. Really? Yeah. April 17th, right? April 17th is the season drop and this month on the 31st is the trailer launch. Okay, wish you all the very best. अच्छा मेरे को बात बताओ, मैं भी देख रही थी कि आपने पोस्टर एक डाला है और नीचे लिखे कंजरियां, exclamation, 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 we are back. एक इंसान को ये खिताब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंजर बनने के लिए जैसे आपने कंजरियां लिखा
आई मीन इट्स फ्रॉम सीजन 1 राइट. उमंग हमेशा अपनी कंजरिया को यही बोलती है, शी सेज इट टू हर थ्री क्लोजेस्ट गर्लफ्रेंड्स, उन्हें उनको कंजरिया बुला प्यार से बोलती है. सो इट्स द सेम थिंग एंड इट्स जस्ट फॉर ऑल ऑफ द अदर गर्ल्स हु हैव देयर लिटिल गर्ल गैंग्स एंड फॉर द गाइस आल्सो. या इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन. आई फील लाइक ये शो एक्चुअली इज फॉर मेन एज वेल. एंड आई नो सो मेनी गाइस जिन्होंने ये शो देखा है और उन्हें बहुत मजा आया ये शो देखकर. करेक्ट, तो इट्स दे क्वाइट गेट एन आइडिया ऑसम. ना. या दे गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा, क्या है, करती क्या है ये लड़कियां, व्हेन दे गेट टू नो दिस स्टफ. हाँ, अच्छा लड़की ऐसा भी कर लेती है. दिस इज द या काइंड ऑफ रिएक्शन यू गेट. So all of that and so yeah, it's just like a cute thing between friends जो हमेशा होता है हर ग्रुप के अंदर. या बेस्ट फ्रेंड्स यू हैव लाइक यू नो नेम्स दैट यू कॉल देम विद अफेक्शन, मजे के लिए ताने मारते हाँ, हैं लाइक दैट. बट आई थिंक गर्ल्स गैंग सबसे कूल होता है. शायद लड़की हूँ इसलिए ऐसा बोलती हूँ, बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि बॉयज गैंग से ज्यादा कूल लड़कियों का गैंग होता है. फॉर मतलब एनी डे नाइट. एंड गाइस को लगता होगा कि यार गाय गैंग्स इतने कूल होते हैं यार. हाँ, और हमें लगता है तो हमारे सामने I think there's a lag. You're back. Can you There's a hear me lag. now? Yes. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अपने कैरेक्टर से कितना सिमिलर हो इन रियल लाइफ? बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं एक्चुअली अबाउट दिस लाइक ऑन कमेंट्स हमेशा. आई थिंक हम काफी अलग हैं एक्चुअली. आई मीन आई थिंक बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं बट वर एक्चुअली वेरी डिफरेंट. एंड सीजन 2 के बाद तो मुझे ये 100% लगता है कि मैं और उमंग बहुत ही अलग हैं. बहुत सिमिलर हैं जस्ट इन टर्म्स की हम दोनों को फिटनेस से रिलेटेड काफी शौक है. लाइक वी बोथ लाइक टू ट्रेन अ लॉट बट ट्रेनिंग स्टाइल्स बहुत अलग है. अप्रोच बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, फिटनेस, ईटिंग हैबिट्स फॉर श्योर. मैं बिल्कुल पीती नहीं हूँ. आई डोंट स्मोक, शी स्मोक्स, शी ड्रिंक्स, शी गोज आउट, शी स्लीप्स लेट. आई डोंट डू एनी ऑफ दैट. You know, she has a gang of 4 girls that she goes and hangs out with every other day. Then they talk to each other. I don't have a gang of 4 girls that I hang out with like this at all. जिनको मैं कंजरिया and all that बोलती हूँ. अच्छा Yeah, so it's very very different. Language is very different for sure. The way we think is very different. So yeah, all of that. Yeah, but बहुत मजा आता है to play Among for sure. For those 3-4 months of the year, so I'm just having maximum fun and exhaustion at the same time. सेम लाइन पे चलता है माय एग्जॉशन आर गोइंग टुगेदर. तो ये 4 लड़कियां हैं, अब 4 लड़कियों का गैंग है एंड एवरीथिंग. तो कोई रियल लाइफ में ऐसी 4 लड़कियां हैं जो इंस्पायर करती हैं, मुझे आगे पीछे कोई भी इंस्पायर है? करती हाँ है. ओ व्हेन ना आई इंस्पायर. एम व्हेन आई एम सो इट्स द सेम 4 गर्ल्स. सो व्हेन आई एम शूटिंग एंड व्हेन वी हैव टू लाइक प्रमोट द शो और वी आर डूइंग वर्कशॉप्स और एनीथिंग लाइक दैट और वी हैव टू डू अ सीन टुगेदर ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर ऑन अ सेट. तो द ओनली रीजन दैट द शो कैन वर्क एंड द ओनली रीजन जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअली that we can bring true laughter and true bonding on the screen is because we actually have put in the time and effort ek dusre ke sath, that we spend that much time and we get to know each other and we're actually fond of each other so that it comes across on screen. So and 100% they are sab ladki, we're so different from each other and it's amazing kyunki hum logo as actors also and as human beings hum itne alag hain and I think that's the beauty of it kyunki हर बंदी का अप्रोच इतना यूनिक है टू डू अ सीन और टू अ सिचुएशन इन लाइफ या जो भी है कि हम लोग घंटे तक बैठ कर वी कैन डिस्कस एंड इम्प्रोव एंड डू सीन्स एंड इट्स सो मच फन. लाइक इतना मजा आता है आई कांट टेल यू. लाइक ऑन अ सेट इट्स जस्ट सो मच फन. यू जस्ट वांट टू गो देयर एंड यू वांट टू क्रिएटिवली क्रिएट समथिंग. इट्स अमेजिंग. सो आफ्टर यू गाइस शूट फॉर दीस गर्ल्स आर लाइक माय मैसिव इंस्पिरेशन. व्हेन आई एम शूटिंग आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम एवरी सिंगल डे. हर रोज कुछ सीखने को मिलता है हर रोज. तो शूटिंग के अलावा जब शूटिंग हो जाती है तो उसके बाद कभी आप लोग बैठते हो ऐसे चिट चैट के लिए और ड्रिंक और समथिंग? हाँ अरे यस देयर दीस गर्ल्स सम ऑफ दीस गर्ल्स लव टू ड्रिंक. यू कैन गेस व्हिच वन इट इज हु लव्स टू ड्रिंक. एंड देन वी ऑल गो आउट वी गो टू ईट ऑल ऑफ अस वी मीट टुगेदर वी हैंग आउट. देयर वाज अ टाइम आई थिंक इट्स बिफोर सीजन 1 स्टार्टेड दैट मी एंड शाइनी वेंट एंड वी गॉट अ मैनी पेडी डन बिकॉज़ शी लिव्स क्लोज टू माय हाउस एज़ वेल. सो या एंड देन आई थिंक ऑल ऑफ अस मेट एंड वी वेंट आउट फॉर डिनर. वी गो फॉर सुशी. सो लाइक वी मीट आई मीन Yeah, so it's not like we don't. Hum milte to hain 100%. And if we don't, then we do virtual calls also. The other day, Shayani, me, Manvi, and Kiti all got on a WhatsApp call, all 4 of us. It was pretty cool because I didn't know ki 4 log ek saath kar sakte hain video conferencing call. That too on WhatsApp. Achha. We both WhatsApp. And I posted it also. I took a lot of screenshots of when we were talking to each other. It was quite cool. So it was nice. It's cool. Acha, tell me one thing.
कि ये जो बॉडी जिन लड़कों की होती है ना, यूजुअली जो लड़के जिम जाते हैं तो वो बहुत शो ऑफ करते हैं अपने डोले शोले, उनको यही करना होता है. तो कभी लड़के, किसी भी लड़के ने कभी आपके साथ ऐसा आपके सामने शो ऑफ करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद आपने उसको सीधा किया हो, अभी ओ ऐसे टाइप्स? इट्स जब आप मेहनत से अपनी बॉडी बनाते हो तो स्पेशली इफ यू आर इन अ जिम, तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू डूइंग इट कॉन्शियसली और नॉट, कि अगर आपके सामने एक शीशा है और थोड़े से बाइसेप बाइसेप कुछ बॉडी का कुछ भी पंप होके कुछ दिख रहा है ना, देन यू वांट टू बी लाइक आह वाह नाइस. एंड इट्स पॉसिबल कि आप किसी और के लिए कर भी नहीं रहे हो, इट्स पॉसिबल कि यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, सर. क्योंकि ये मैं बहुत बार कर भी लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन आई एम डूइंग इट द जिम इज एम्प्टी सो ये. बट ऐसी भी कई बार हुआ है जो मेरे सामने काफी लोग करते हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या बीत रही होती है ऊपर देखे, आई अंडरस्टैंड द इमोशन यू नो, सो आई एम लाइक इट्स कूल मैन इट्स कूल, बट इट्स नॉट लाइक आई मीन हर जिम में ऐसे लोग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं हर जगह जहाँ भी जाते हो, तो कभी कभी जैसे हाँ ठीक है भाई मजे कर मजे कर, कभी कभी तुम चाहते तो मजे ले भी लेते हो कि अरे क्या कर क्या रहा है, हाँ ठीक है भाई बन जाएगी बॉडी बन जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी. पर आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी ने किया कभी कि बानी को इम्प्रेस करता हूँ अपने डोलो से? आई डोंट थिंक मुझे कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, आई डोंट थिंक सो, लाइक आई डोंट थिंक सो, बट इट्स पॉसिबल कि दे माइट हैव बीन ट्राइंग एंड आई डिडंट नोटिस, इट्स पॉसिबल बट बहुत आई ट्राई एम करते होंगे, आपने होपिंग नोटिस नहीं किया होगा. या इट्स पॉसिबल आल्सो, क्योंकि जब मैं जिम जाती हूँ तो जिम हमेशा खाली रहता है, सो इट्स नॉट लाइक दिस दैट मेनी पीपल देयर आल्सो. तो अभी आप कितनी देर के लिए वर्कआउट करते हो घर पे? बिकॉज अब बाकी लोग तो जिम जा नहीं पा रहे. हाँ, आप लोग घर में तो कर सकते हैं ना यार जिम, कितनी देर के लिए अबाउट टू एंड हाफ एक्सरसाइज? आवर्स, 2 डेढ़ घंटे तो जाते हैं, बिकॉज जस्ट टू सेट अप एवरीथिंग इन माय लिविंग रूम आई हैव टू मूव द फर्नीचर, आई हैव टू रोल अप द कारपेट, आई हैव टू मूव माय डॉग, एंड देन आई हैव टू सेट अप द स्क्वाट स्टैंड और लाइक द फ्लोर मैट्स फॉर डेडलिफ्ट्स और व्हाटएवर. सो जाने से पहले प्लीज हमें कुछ ऐसा बता दो कि जो हम घर में मेरे जैसे लोग जो बैठे बैठे सिर्फ ये देख रहे हो, आप इतने इतने चेहरे हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तो बताओगे जाने से पहले प्लीज? मैंने एक्चुअली अपने हाइलाइट्स पे अपने इंस्टाग्राम पेज पे हाइलाइट्स एक बनाया है, लिफ्ट लाइफ एट होम, अभी इसी ओके. पे जहाँ हम सब घर में बैठे हैं और इक्विपमेंट नहीं है, उन लोगों के लिए आई हैव पुट आउट सम एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू, जो बहुत ही सिंपल है बहुत बेसिक है, एंड देन देयर इज अ फ्यू एडवांस्ड वंस व्हिच आर द हैंड स्टैंड वंस आल्सो, प्लीज लुक एट देम एंड प्लीज इफ यू फील इंस्पायर्ड प्लीज ट्राई देम आउट, कुछ इतना इतना मुश्किल भी नहीं है, इट्स वेरी डूएबल, और अलग अलग वेरिएशन होते हैं यार, आज तो मतलब कोई एक्सक्यूज दे भी नहीं सकता कि यार मैं क्या करूं मेरे को पता नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर दूसरा बंदा बंदी इज पुटिंग आउट होम ट्रेनिंग वीडियोस, लाइक इट्स जस्ट माय इंस्टाग्राम फीड इज फ्लडेड विद पीपल ट्रेनिंग एट होम, व्हिच आई थिंक इज सो ग्रेट, सो एंड आई थिंक ये अभी तो सही वक्त है, एवरीबॉडी हैज द टाइम, प्लीज घर बैठे फिट हो जाओ यार, ईट हेल्दियर, दैट्स इंपॉर्टेंट. आपने भी बोला कि आप अपने कैरेक्टर से सिमिलर नहीं हो, तो जब सिमिलर नहीं होता है तो कभी हम ज्यादा अलग है देन अलग हैं, राइट? तो कभी कुछ जब आप सीजन सेकंड शूट कर रहे थे तो कोई कभी ऐसा था कि थोड़ी सी मुश्किल आई हो कि यार थोड़ा माइंड मेकअप करने पड़ेगा ये सीन करने से पहले? ये तो सीजन 1 में भी हुआ था मेरे साथ, बिकॉज एक्चुअली एज मेरा अप्रोच सीजन 1 और सीजन 2 में काफी बदल गया था इन टर्म्स ऑफ डूइंग सीन्स एज अमंग, तो पहले सीजन में तो आई हैड अ वेरी गट इंस्टिंक्ट इंट्यूशन कि मुझे सीन्स कैसे करने हैं और उमंग कैसी होगी, उसका पूरा आइडिया था मेरे मन में, और फिर सीजन 2 में वो काफी बदल गया था ऑन इट्स ओन, इट जस्ट इवॉल्व्ड मेरे मन में कि ये कैसे होगा इस सीजन में, उसके साथ क्या होगा, उसके मन में क्या क्या बदलाव आएंगे एंड ऑल दैट, एंड देन यू नो ये हो जाता है, एटलीस्ट इट हैपेंड फॉर मी व्हेन आई वाज एक्टिंग इन द सेकंड सीजन, कि जब आप एक किरदार को निभाते हो तो जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ वेव इट लाइक ओवरटेक्स यू एंड देन यू आर सबमर्ज्ड इन इट फॉर दैट ड्यूरेशन, सो आई फील लाइक ये मेरे साथ हुआ था बहुत कम्प्लीटली सेकेंड सीजन में, मोर देन द फर्स्ट सीजन, सो इट वॉज लाइक ऑल्सो फर्स्ट सीजन में आई वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल वेरी मैसिव डिफिकल्टीज इन माई पर्सनल लाइफ, बट in season 2 I was just very open to this whole thing and that's why it just came like this and I could like it's very hard to explain yeah but I'm hoping ki when you guys watch it ki, you know you'll get what I'm saying but yeah very cool like it's a very cool process the whole thing season 1 ke baad jab season 1 sabne dekha to ghar walon ki taraf se relatives ki taraf se kuch kuch comments ya kuch tha
Yeah, I got a lot of messages from a lot of my aunts and uncles and stuff like that, which जो मुझे ऐसी बहुत funny लगा कि उन्होंने ऐसे मुझे message किया, बहुत sweet message से लंबे लंबे थे कि you know we're so proud of you and you play this character so well and ये वो फलाना, तो I was not expecting कि कोई मुझे message करेगा, मैंने सोचा ही नहीं कि you know like I just didn't expect it. तो जब वो messages आया मैंने पढ़े तो मैं बहुत मतलब amused थी and I was like wow यार cool, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि they won't watch the show actually. So it was quite cool. People watched it and then they actually liked it and then they reviewed it and gave me proper like reviews. So it was quite cool. So yeah, I mean it was just positive all across the board. ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि किसी ने आकर बोला कि how could you do that and like yeah. ऐसा मैं my family, I have purple hair, I have tattoos all over my body. My family is very used to me, so yeah. They're pretty accepting, so it's cool. Lovely. अब इस क्वारंटाइन के टाइम कोई कौन से ऐसे सेलेब्स फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है? ऐसे हैं जिनके बारे में मैं उनके नाम भी नहीं बोल सकती. ऐसा क्यों? It's just like you like to keep some things. कई चीजें तो प्राइवेट रखनी चाहिए ना. हाँ हाँ सारी चीजें ही प्राइवेट रखनी चाहिए वैसे तो. But no, like I just said, na Kirti, Manvi, and Shalini, them. So there's an ongoing group chat we have, जिसमें से हमेशा. वो तो I'm short because we see your chemistry. Yeah, yeah. And इतने funny memes ये लड़कियाँ भेजती हैं. You will never imagine. Kirti Kolhari, if you ever interview her, please ask her what is her favorite GIF that she keeps sending us, because she's a GIF master. But in like a, she's the funniest GIF master ever. Like वो इतनी अजीब से GIF भेजती है ना कि I'm like, Kirti, what are you doing? And I think अब ना इतना ज्यादा कंटेंट चल रहा है ना, because everybody is sitting home, सब अपना इतना क्रिएटिव दिमाग लगा रहा है, मैंने सोचा नहीं था यार कभी. बहुत फनी फनी कंटेंट आता है यार, बहुत जबरदस्त. It's cool, लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, it's nice. Yeah, it's really nice. और अब सबके पास टाइम भी है देखने के लिए कि क्या क्या बना रहे हैं लोग, so that's even better. Yeah. पूरा टाइम तो हमें, इनफैक्ट मेरे को पता है आजकल इतनी खुशी होती है कि लाइव सेशंस हो रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसे तो पागल ही हो जाना था घर पे. तो इन लाइव सेशंस की वजह से यू नो थोड़ा चेहरा वेरा साफ हो जाता है, फिर हम थोड़ा लिप कलर लगा लेते हैं, इट फील्स गुड कि यस हमें बानी से बात करनी हो कि आई हैव टू पुट दिस लिप कलर थोड़ा ये. बट वो अदर वही जब मैं अभी बात कर रही थी ना आपसे बॉडी की एंड एवरीबडी, तो सब मेरे को यही पूछ बोल रहे थे कि हाँ तेरे को तो इन सारी टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है भी है. मैं पढ़ रही थी कि मेरे को जरूरत है बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है यार, क्या बोलना है. I mean, अगर if it doesn't bother you, then you don't have to change a thing about it. It doesn't bother me at all. मैं भी यही बोलती हूँ, जब तक यहाँ से नहीं आएगा ना तब तक. Exactly. और फिर आपकी motivation, मोहन, this is what I always say कि अगर अंदर से you don't get that motivation to actually do something, फिर कोई doesn't matter कि आपको कौन बोले और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं और आपको क्या गोल एंड में मिलने वाला है, इट डज नॉट मैटर अंटिल आपको अंदर से यू गेट दैट इंटेंशन और दैट इच्छा कि या एक्चुअली आई वांट टू डू दिस, या इट विल बी नाइस, इट विल बी गुड, इट विल बी नाइस, या करेक्ट, बिकॉज़ यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, डज नोबडी एल्स मैटर्स. नो, एंड आई थिंक आई लुक सो क्यूट लाइक दिस, आई डोंट गिव अ, सो क्यूट, आई डोंट गिव अ. ओके, सो बिफोर यू लीव, anything you want to say to the listeners of Red FM, जो भी इस समय आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, whatever you want to say, please, during this hard period of quarantine as well. The quarantine period. I just want to say, you guys, please use this time to do all the things that you say कि आपके पास normally time नहीं है इन चीजों के लिए, अभी time नहीं है, और you know you do it on the weekend या कल करूँगे या ये सब. Please do it today. You have so much time on your hands. Make use of it. It's actually a gift. Make the most of it. That's all I want to say. Yeah, and be good to yourselves and everybody else who's around you in close proximity. Because I know that जब बहुत जगह नहीं होती और बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, तो आप चिट भी जाते हो बहुत जल्दी. So just try and keep calm, meditate करो, read something, watch something funny, look at the sky, do something fun. और अभी थोड़े time में 4 more shots का season 2 भी आने वाला है. Yeah, so please, watch you guys, if you're not doing anything. And it's not too much to ask. Please do tune in and watch the season. It's going to be dropping on the 7th. नहीं, हम कुछ कर भी रहे होंगे, हम तब भी देखेंगे. मैं पहले सीजन की भी बहुत बड़ी फैन हूँ. I will to definitely watch it. Thank you so much for sparing our time, Vani. And stay safe, stay indoors. आपको तो ज़्यादा मालूम है. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Take care. Bye.